बिहार में बदली सरकार तो विपक्ष हो गया खूब। पीएम नरेंद्र मोदी के विरोधियों के लिए अचानक नीतीश कुमार बन गए हीरो। नीतीश कुमार को बताने लगे सच्चा समाजवादी। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को टक्कर देंगे नीतीश कुमार? बिहार की सियासत पलटी तो कुछ लोग 1974 के जेपी आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं। विरोधी इस घटनाक्रम को मोदी के विरुद्ध क्रांति के रूप में देख रहे हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध किया था। लेकिन वो भूल रहे हैं कि नीतीश कुमार और जयप्रकाश नारायण के छवि में काफ़ी अंतर है। जहां जयप्रकाश नारायण की छवि एक त्यागी विरागी राजनेता की थी, वहीं नीतीश कुमार को लोग कुर्सी कुमार कहते हैं। जेपी आंदोलन के समय देश में सांप्रदायिक राजनीति नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के झूठे नारों की आड़ में पूंजीवाद का विभत्स चेहरा उभर कर आ रहा था। आज राजनीति बहुसंख्यकवाद की तरफ मुड़ गई है और जाने अनजाने कांग्रेस ही इसके मूल में है। राजीव गांधी के राज की गलतियां उसके लिए ही काल बन गई है। कभी हीरो तो कभी विलेन बनते रहते हैं नीतीश कुमार। लेकिन मजा देखिए कि नीतीश कुमार के पाला बदलते ही मोदी विरोधियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और अचानक से नीतीश कुमार उनके लिए हीरो बन गए हैं। मोदी विरोधी नीतीश कुमार को सच्चा समाजवादी बता रहे हैं। यह भी दिलचस्प है कि जब नीतीश भाजपा के साथ थे तो यही लोग कहते थे कि नीतीश तो हर दो साल में सांप की तरह अपनी केचुल बदल लेते हैं, किंतु अब चूंकि नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ा है इसलिए वे फिर हीरो बन गए हैं। मोदी विरोधियों की यही आदत उन पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि जल्दी तुष्ट और उतनी ही शीघ्र रुष्ट हो जाने से वे राजनीति में कथित मोदी एंड कंपनी की चालों को परख नहीं पाते और अंततः वो फिर अपनी आत्मतुष्टि के चलते निराश होने लगते हैं। ये सही है कि नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर राजद से नाता जोड़ लिया है, लेकिन उन्हें हासिल क्या हुआ? क्या उन्होंने कुछ खोया है? वो मुख्यमंत्री तब भी थे और अब राजद के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, तब भी वो मुख्यमंत्री ही रहेंगे। यथार्थ पिछले 8 बार से वे निरंतर मुख्यमंत्री पद पर ही स्थापित हैं। वो एक ऐसी सरकार के मुखिया होंगे जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी राजद उनकी जदयू से लगभग दोगुनी है। ऊपर से कांग्रेस भाकपा माले और माकपा को साथ लेकर चलना होगा। वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी हम भी उनके साथ हैं। नीतीश को मोदी का विकल्प बताने लगे मोदी विरोधी। अति उत्साहित लोग नीतीश में मोदी का विकल्प तलाश रहे हैं। उनका तर्क है कि नीतीश पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और उनके पास भी कोई परिवार नहीं है। यह सच भी है, किंतु देश की सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचने के लिए यही प्राप्त नहीं होता। याद कीजिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके पास गुजरात का कायापलट कर देने की पर्याप्त पूंजी थी, साथ ही पूरे गुजरात के जनमानस को अपने फेवर में कर लेने वाला कौशल भी। इसके अतिरिक्त मोदी के ऊपर दल बदलने का कोई आरोप नहीं था। वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे और इस बीच उन्होंने गुजरात को पूरी तरह अपने साथ कर लिया था, जबकि नीतीश कुमार ऐसा कोई चमत्कार आज तक नहीं दिखा पाए हैं। बिहार में उनकी लोकप्रियता लगातार घटती गई है, उनका ग्राफ निरंतर नीचे गिरा है। इसलिए पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जदयू 3रे नंबर पर सिमट गई थी। भाजपा और राजद उनसे काफी आगे रही। उन्होंने बिहार को एक सीमा तक अपराध की दुनिया से बाहर निकाला, मगर जातिवाद और संगठित अपराध आज भी बिहार में वैसा ही है। बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्यों में से है। ऐसे में उनसे यह उम्मीद करना कि वो 2024 में मोदी के विकल्प होंगे कुछ ज्यादा ही आशावादिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में अपनी एक कार्यशैली है, साथ ही उनके पास एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पूरी ताकत है, इसलिए वो किसी से भी आगे निकल जाते हैं। भाजपा को हराने के लिए उतनी ताकत वाली किसी पार्टी से नेतृत्व उभर कर आए तभी ऐसी कोई बात सोची जा सकती है, अन्यथा सब कुछ हवाई किला साबित होगा।
बिहारी होना नीतीश कुमार के लिए कितना फायदेमंद, नीतीश कुमार के पक्ष में एक बात जाती है और वह यह है कि वह जिस बिहार से आते हैं उस राज्य में लोकसभा के 40 सांसद जीत कर आते हैं और उसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से 80 सांसद हैं, यानी कि बिहार और यूपी मिलकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला सकते हैं। दूसरे यह भी एक तथ्य है कि जातिवाद, गरीबी और अपराध में भी यह दोनों राज्य एक दूसरे के बहुत करीब हैं। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि दोनों ही राज्यों के क्षेत्रीय दल एक दूसरे के इलाके में नहीं घुसना चाहते हैं, ना ही घुसने देना चाहते हैं। इससे उनके बीच एक दूरी बनी रहती है। जब सपा के उत्तर प्रदेश में 39 सांसद जीते थे तब भी मुलायम सिंह यादव की यह पार्टी बिहार में खाता नहीं खोल सकी थी और न राजद यूपी में। यथार्थ जातीय आधार समान होते हुए भी दोनों में काफ़ी भिन्नताएं हैं। अब नीतीश कुमार के नाम पर क्या कांग्रेस राजी होगी, यह बड़ा सवाल है। एक अहम बात यह भी है कि क्या भाजपा का विकल्प अब क्षेत्रीय दल बन पाएंगे, क्या कांग्रेस अब एकदम समाप्त हो गई है। दूसरी बात, न मोदी का और न ही नीतीश कुमार का दक्षिण भारत में अपना कोई आधार है। भाजपा तो फिर भी नेशनल पार्टी होने का लाभ उठा लेगी, किंतु तमिलनाडु में, आंध्र में जगनमोहन रेड्डी, तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, कर्नाटक के जनता दल एस सब मिलकर नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे क्या। इनके अतिरिक्त 48 लोकसभा सदस्यों वाले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार कितने सीटें ला पाएंगे। इसी तरह ममता बनर्जी नीतीश को कितना सपोर्ट करेंगी। सबसे बड़ी बाधा उत्तर प्रदेश है, जहां अखिलेश यादव की सपा और मायावती की बसपा को एक मंच पर आना मुश्किल है। नीतीश के लिए देशव्यापी नेता बनने के लिए इन सबको अपने साथ करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बिहार का संकेत यह है कि यह लड़ाई और फूट किसी एक राज्य नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की है। कांग्रेस, वाम और क्षेत्रीय दल किसी तरह भाजपा को किनारे करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें नीतीश कुमार का चेहरा दिखा है, मगर नीतीश कितने भी कुशल खिलाड़ी क्यों ना हो, वो आसन खतरों को भी देख रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि भाजपा भी उनके सफायों को तत्पर है। इसलिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय दलों के युग की समाप्ति की बात कही थी। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा, जो कि भाजपा से हैं, उनके साथ नीतीश की अनबन और जदयू नेता आरसीपी सिंह द्वारा नीतीश सरकार के विरुद्ध बयानबाजी के आशय क्या है, शायद यही कारण रहा कि वो भाजपा से तालमेल खत्म करने के लिए उतावले थे। मगर इतने चतुर खिलाड़ी होते हुए भी नीतीश अपनी कुर्सी का त्याग करने को राजी नहीं हुए। यही बात उन्हें 2024 के पहले ही कहीं झगड़े में ना फंसा दे, इसी बात का डर है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।